और फिर तो वन प्लस 5G स्मार्टफोन, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप हम लोगों को देखने को मिल रही है। वेल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, हाइप बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जब रियल वर्ल्ड में फ़ोन देखने को मिला तो नहीं ऐसा हुआ है। आप लोग जानते हैं वन प्लस नॉर्ड आया था 5G स्मार्टफोन, 765 उसमें प्रोसेसर लगा हुआ था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, तो वहाँ पे मतलब हाइप बहुत ज़्यादा बनी थी और हाइप के चक्कर में फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा बिक गया था। लेकिन हाइप जैसे ही ओवर हुई फ़ोन नीचे आ गया था। और MI 10i उसके बाद जस्ट 2 मंथ बाद फ़ोन आया था तो उसका रिकॉर्ड टूट गया था 5G स्नैपड्रैगन 765 के साथ में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.4 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है, AMOLED डिस्प्ले। तो यहाँ पर ये काफ़ी कमाल की बात हो जाती है, मतलब कमाल का एक्सपीरियंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है इस फोन की डिस्प्ले के साथ में। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़ इंप्लीमेंट देखने को मिलने वाली है जो कि है 3.5mm जैक। थैंक यू OnePlus फॉर गिविंग दिस फॉर अस, क्योंकि 3.5mm जैक के बिना हम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और OnePlus Nord आया था तो वहाँ पर 3.5mm जैक नहीं प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी एक ऑसम सी चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS भी देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है अराउंड 22,000 या फिर 23,000 होने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फ़ोन के साथ में। एंड फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट प्रोसेसर, आप लोगों को प्रोसेसर के बारे में तो पहले से पता होगा, क्वाल कैम स्नैपड्रैगन 750 आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। बट एक चीज़ है जो आप लोगों को नहीं पता होगी, वो है इस फ़ोन का बैंड, कौन सा 5G आप लोगों को बैंड इस फोन में देखने को मिलने वाला है इस प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पर आप N78 वो भी सिंगल N78 5G बैंड देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, और अपडेट के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकेगा नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जब 5G नेटवर्क आएगा तो उसके साथ ये कंपेटेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल चल रहा है OnePlus का, तो देखते हैं क्या रहता है जब ये फ़ोन आता है तब, और जब 5G आएगा तब देखेंगे। फिलहाल 5G आने में तो अभी काफ़ी टाइम है। और हाँ, एक बात और, आप लोगों के लिए 5G मतलब अलग से ही 5G की एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए। एलर्ट स्लाइडर जो अदर OnePlus के डिवाइसेस में मिलता था वो यहाँ पर गायब हो चुका है इसके अंदर। एक और आज की बात बताऊँ आपको, ओप्पो नो 5 लॉन्च हुआ था चाइना में, वही रीब्रांड करके OnePlus C 5G के नाम से हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, कोई भी स्टीरियो स्पीकर नहीं है। यहाँ पर अंडर डिस्प्ले स्कैनर आपको दिया गया है। कैमरा की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी हाई सेंसर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ही सेंसर देखने को मिलता है जो कि है ओमनी विजन का सेंसर 64 मेगापिक्सल के साथ में। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो है बट ओमनी विजन का सेंसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप फोटो और वीडियो क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ही क्वालिटी होगी। अब बात करें तो सेकंड कैमरा के बारे में, तो सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड यहाँ पर जो लास्ट है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। और सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है, मतलब सेल्फी शूटर प्रोवाइड कराया गया है। जहाँ पर हैप्टिक फीडबैक भी कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये भी यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग बात हो जाती है। OnePlus का जो हैप्टिक फीडबैक होता है वो काफ़ी औसम होता है, वही अगर हम लोग देखने को मिलेगा तो मतलब OnePlus की जितनी भी खास खास चीज़ें हैं वो सारी ही इसमें गायब की जा रही है, बस OnePlus की ब्रांडिंग दी जा रही है। और प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जा रहा है, नो ग्लास, मतलब हर जगह प्राइस कटिंग की है OnePlus ने, मतलब पता नहीं क्या ही भूत सवार है। अरे महंगे फ़ोन निकालो, लेकिन कुछ होना तो चाहिए, दम तो हो फ़ोन में। अब सस्ते फ़ोन निकाल दिए, दम नहीं है तो मतलब कैसे ही काम चलेगा यार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जरूर से पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो एकदम जेन्युइन होती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाइएगा। जय हिंद।